मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द सबके लिए बोलें। चलिए सभी को यहाँ पे उपस्थित सभी महिला टीचर को सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज 8 मार्च को महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसके पीछे की वजह पता है उसका इतिहास किसी को, किसी महिला टीचर को इसका इतिहास पता है? क्यों मनाते हैं वुमेन्स डे और कब से शुरुआत हुई ये भी तो पता होना चाहिए हमके, कौन सा दिन मना रहे हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। न्यूयॉर्क या कहीं मैंने पढ़ा था, ये सोशल मीडिया का ही ज्ञान है तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि महिलाओं ने अपने हक के लिए पहली जो हड़ताल होती है ना, स्ट्राइक, जो वुमेन जो काम करती है, जो वर्किंग वुमेन है, उन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए पहली स्ट्राइक की थी और तब से 8 मार्च के दिन, 8 मार्च को हड़ताल की थी, उस दिन से महिला दिवस मनाया जाता है, महिला सशक्तिकरण। उस दिन महिला अपने हक के लिए आगे आई थी, अधिकार के लिए आगे आई थी, इस याद में महिला दिन मनाया जाता है। और आज हम देखें तो हर एक क्षेत्र में महिला आगे ही है और महिला के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि महिला एक माँ है, बहन है, बहू है, बेटी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां महिला निभा रही है। भगवान ने उसको बहुत ज़्यादा ही ताकत दी है। समाज में ऐसी ट्रेडिशनल परंपराएं थी, लोगों का मानना भी था, जैसे अब तो समय भी बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, लोगों का नजरिया भी बदल रहा है कि महिलाओं को पुरुष से कमतर समझा जाता था, बट आज ऐसा नहीं है। आप देखिए जहाँ जाएंगे वहाँ महिला पुरुष का एकदम डटकर सामना कर रही है और पुरुष से आगे भी आ रही है। उसका अभी एक परिणाम आया था, UPSC के नतीजे जब आए थे तो उसके फर्स्ट या सेकेंड रैंक जो था, फर्स्ट और सेकेंड शायद दोनों में महिलाओं में UPSC में फर्स्ट और सेकेंड रैंक लाई थी और शायद वो दोनों बहनों की थी। तो सभी महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ रही है, उन सभी को बधाई। दूसरी बात जो महिलाओं के बारे में जो हम देखते हैं, मैं तो देखता हूँ महिलाओं के लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। हाँ, कभी कभी डांट देते हैं टीचरों को तो ऐसा मत समझिएगा कि आपके लिए सम्मान नहीं है, बट वो तो एक अपना क्या बोले काम का एक हिस्सा है। तो सुबह उठना, 4 बजे बच्चों का, हस्बैंड का, घर का काम करना, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं वर्किंग वुमन को, जो आपके सामने खड़े हैं स्टूडेंट जो बैठे हैं उनके लिए चैलेंजिंग होते हैं। हमको पता है जल्दी जल्दी सुबह तैयार होना, फिर पंचिंग का टाइम भी देखना, भागना कहीं 1 मिनट के लिए रेड लाइन ना लग जाए, घर के काम करके आना, फटाफट से आना, बच्चों को पढ़ाना। फिजिकली तो थकते ही है, मेंटली भी कई बार स्ट्रेस आ जाता है, तो मेंटल स्ट्रेस आज उतार लीजिए क्योंकि आज आपका दिन है। तो आपके लिए जितना भी बोला जाए यहाँ से उतना कम है और हमारी आपकी आपके लिए ऐसी शुभकामना है कि और भी आप आगे अपने काम को निखारें, अपने आप को तरह से महिलाएं, आप कभी भी कम नहीं है और आपका ये नेशनल हाई स्कूल आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा है। थैंक यू। Okay. Okay.
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
वत्सल 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को स्त्री के बिना इस संसार का कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जा रहा है वो मैं आपको बता दूं, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको बता दूं कि पश्चिम के किसी डेनमार्क या न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने 8 मार्च के दिन अपने जो काम करने वाली महिला है, जैसे आपके सामने आपकी टीचर है, बोल सर विद्यार्थी और विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी कहना पड़ा है। आज हम इस कार्यक्रम में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में तमिलनाडु राज्य के एक गांव की सच्ची घटना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सब शांतिपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुंडुकोटई तमिलनाडु का एक गरीब Thank you.